हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कनाडा का ग्रोसरी एक्सपीरियंस। विवेक और मेरी मम्मी हमेशा पूछती है कि कनाडा में सब्जी कैसे मिलती है एंड वहाँ पर ग्रोसरी का क्या अरेंजमेंट है एक्सेट्रा। तो आज हम आपको यहाँ के ग्रोसरी का सीन समझाने वाले हैं। अनलाइक इंडिया, यहाँ पर 99% लोग वीकेंड पर सब्जी खरीदने ग्रोसरी स्टोर्स जाते हैं। इंडिया में हमारे घर रोज ग्रोसरीज आती है, बट यहाँ जस्ट बिकॉज लोग वीकडेज में काम पर जाते हैं तो वीकेंड्स में ही प्रेफर करते हैं ग्रोसरी करना, जो कि पूरे वीक के लिए काफ़ी होता है। यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं ग्रोसरी स्टोर्स के, जैसे वॉलमार्ट, फ्रेशको, नो फ्रिल्स और मेट्रो। सब लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे कि हमारी फ्रेशको है, फ्रेशको में दो तरह के स्टोर्स होते हैं, एक फ्रेशको, दूसरा चलो फ्रेशको। चलो फ्रेशको के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये हम जैसे देसी लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ जैसे बेसिक से बेसिक इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि धनिया, गरम मसाला, देसी घी वगैरह वगैरह। और हम लोगों को नॉनवेज खाना काफ़ी पसंद है, तो यहाँ हर तरह की मीट और फिश भी मिल जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सारे सामान का प्राइस इंडियन रुपीज़ में भी दिखाएंगे, ताकि आपको ओवरऑल कॉस्ट का पता चले। अभी हम चलो फ्रेशको के पार्किंग में खड़े हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ हम अंदर जाने के लिए लाइन पे वेट कर रहे हैं। मेरे पास कभी भी चेंज नहीं होता है, आपको 25 सेंट चाहिए होता है ट्रॉली अनलॉक करने के लिए। मुझे सब्जियों के लिए पैकेट्स नहीं मिल रहे हैं, यूजुअली यही होता है। मिल गए। बनानास विवेक को काफी पसंद है। ये हाफ डजन हमें $3.2 यानी 184 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट हम लेंगे एप्पल्स। एप्पल्स मेरे फेवरेट हैं, आप अच्छे से चेक जरूर करें। 5 एप्पल्स हमें $3.56 यानी 203 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट हम लेंगे आलू। 1.2 केजीज आलू हमें $2.49 यानी 142 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट हम लेंगे अनियंस। 1 केजी रेड अनियंस हमें $3 यानी 172 रुपीज के पड़े। पास वाले येलो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। नेक्स्ट इज धनिया। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट इटालियन पार्सले भी रखा हुआ है, जो कि धनिया से काफ़ी मिलता जुलता है। धनिया $1.50 यानी 85 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट इज टोमेटो। टोमेटोज फ्रेश लग रहे हैं, 1 केजी टोमेटोज $4.39 यानी 250 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट इज करेला। वीकली 2 से 3 बार हम करेले का जूस पीना पसंद करते हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। 350 ग्राम्स करेले हमें $2 यानी 114 रुपीज के पड़े। नेक्स्ट इज हरी मिर्च। 150 ग्राम हरी मिर्च $1.2 यानी 73 रुपीज के पड़े। काशी इंडिया की तरह फ्री में मिल जाते। जैसा आप देख रहे हैं, राइस की काफ़ी वैरायटी है। हमें इंडिया गेट पसंद है, 4.5 केजीज $13 यानी 740 रुपीज़ के पड़े। अब हम लेंगे काजू, वन ऑफ माय फेवरेट ड्राई फ्रूट। 100 ग्राम्स काजू की प्राइस $5 यानी 285 रुपीज़। बेबी कौन से फूल चाहिए? सारे। आगे चलते हैं परवल की ओर। 150 ग्राम्स परवल हमें पड़ा $2.47 यानी 140 रुपीज़। नेक्स्ट इज ड्रमस्टिक। 3 पीसेस ड्रमस्टिक के प्राइस $2.97 यानी 170 रुपीस। हमें ऑरेंजेस ऑफिस ले जाना पसंद है, 570 ग्राम्स ऑरेंजेस हमें $2.5 यानी 142 रुपीस के पड़े। ब्रेड की एक्सपायरी चेक करना बहुत ज़रूरी है, $3 यानी 171 रुपीस में ये पूरा लोफ आता है। नेक्स्ट इज नॉनवेज सेक्शन। यहाँ हर तरह की पीसेस मिल जाती है, आपके चॉइस के ऊपर है। इसके साथ काफ़ी सारे मैरिनेटेड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो कि रेडी टू ग्रिल होता है। मटन की पीसेस में भी वैरायटी हैं एंड ऑफ कोर्स फिश, इसकी भी एक्सपायरी चेक करनी पड़ती है। नॉनवेज का टोटल बिल बना है $32.5 यानी 1854 रुपीस। यहाँ पर घी के कई सारे इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये आ गई मेरी फेवरेट दिलखुश गोली।
आप मेरे लेफ्ट में देख ही रहे होंगे कि यहाँ देसी मसालों की भरमार लगी हुई है। नेक्स्ट इज ड्राई स्नैक्स। हर तरह की सेव, पूरी, भुजिया, गठिया मिल जाती है। दो पैकेट स्नैक्स के हुए $2.8 यानी ₹158। 3 लीटर्स का सनफ्लावर ऑयल $8.49 यानी ₹484 का पड़ा हमें। 24 अंडे का प्राइस $8.8 यानी ₹500। सॉल्टेड बटर का प्राइस $5.87 यानी ₹334। जय श्री कृष्ण। 750 ग्राम दही की प्राइस $1.99 यानी ₹113। नेक्स्ट इज मिल्क। फैट परसेंटेज के हिसाब से ये कलर कोडेड होते हैं। 4 लीटर मिल्क $4.69 यानी ₹267 के पड़े। मुझे ग्रोसरी करना बहुत पसंद है, मैं सारी आइल्स अच्छे से चेक करती हूँ। रेजिन कवर्ड चॉकलेट का प्राइस $4.49 यानी ₹255। हम दिन में एक बार सीरियल ज़रूर खाते हैं, इस वीक कौन सा सीरियल लेना है ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस होता है। 700 ग्राम सीरियल की प्राइस $2.5 यानी ₹142। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीकली ग्रोसरी। यूजुअली वीकेंड पे रश होता है बट आज काफ़ी खाली है। बिलिंग के लिए आपको अपनी ग्रोसरी खुद ही अनलोड करनी पड़ती है। और बिलिंग के बाद लोड भी खुद ही करना होता है। और ये है हमारा फाइनल बिल। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चले, एक आखिरी सरप्राइज तो बाकी है आप लोगों के लिए। बाहर बर्फ पड़ रही है, एंजॉय।